एक मजदूर खेत में कमाने जाता है तो हम लोग 500 रुपए उसको देते हैं दिन, और हम लोग दिन महीना दिन काम करते हैं। कोरोना वायरस फैला हुआ था तो अफसर लोग है, नीतीश बाबू है जो पंडित में पैक थे, लेकिन हम लोग घर घर जा जा करके सब किसी को देखे हैं। प्रशासन करो चाहे जो है, हम लोग नहीं रखने वाला है। इस वक्त राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर मेरी मौजूदगी है, और पहले आपको एक बार नज़ारा इस डाकबंगला चौराहा का दिखा देते हैं। पूरी तरीके से डाकबंगला चौराहा ब्लॉक कर दिया गया है, यातायात पूरी तरीके से बाधित है। कारण यह है क्योंकि आंगनवाड़ी सेविकाएं प्रदर्शन कर रही हैं डाकबंगला चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर। चारों ओर का नज़ारा देखिए, पूरी तरीके से इस कड़कड़ाती धूप में ये आंगनवाड़ी सेविकाएं अपनी मांग को लेकर डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे जो आंगनवाड़ी सेविकाएं यहां पे मौजूद हैं, जो उनसे बातचीत करने की पहले कोशिश हम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजिया सुल्ताना है। रजिया सुल्ताना, कहाँ से आई है? हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से। क्या मांग है, क्यों यहाँ धरने पर? हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग का महीना बहुत कम है। एक मजदूर खेत में कमाने जाता है तो हम लोग 500 रुपये उसको देते हैं दिन भर का, और हम लोग दिन महीना दिन काम करते हैं, दिन का 24 घंटा लगभग हम लोग काम करते हैं। हम लोग का सोने का भी टाइम नहीं, हम लोग का बच्चा रोवे मरे खाए चाहे नहीं खाए, लेकिन हम लोग दूसरे के बच्चे का सेवा करते हैं। हम लोग इतना मतलब कोरोना वायरस फैला हुआ था तो अफसर लोग है, नीतीश बाबू है जो पंडित में पैक थे, लेकिन हम लोग घर घर जा जा करके सब किसी को देखे हैं। कौन बाहर से आया है, कहाँ आया है, सब सूचना सेविका को दे रहा था। जहाँ लोग कहता है जहाँ पर ना जाए कोई गाड़ी, वहाँ पर जाए आंगनबाड़ी। हम लोग का मांग है कि हम लोग का वेतन मान किया जाए, मानदेय हटाया जाए। किससे मांग कर रही है? कड़कड़ाती धूप है, छाता लेके आप लोग बैठे जी? हम लोग नीतीश बाबू से मांग रहे हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री जो है नीतीश बाबू, उनके कान में ढक्कन लगा जो हुआ है, उन्हीं के ढक्कन को खोलने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। तो बिहार में है नहीं, आज ही चले गए उत्तर प्रदेश, भाग जाते हैं तब तो भाग जाता है। हम लोग देखता है जब आती है आंगनबाड़ी भाग जाता है, उसको तो अपने घर परिवार उसका तो है नहीं, तो दूसरे के परिवार का दर्द क्या समझेगा। कितना अभी सैलरी मिलता है? अभी हमको मिलता है सैलरी 5600। बताइए, 5600 में हम लोग का बाल बच्चा हम लोग खा पी कर रह जाएंगे? एक तो हम लोग बच्चा पढ़ा रहे हैं, उसका भी हम लोग महीना 3000 भर रहे हैं। एक महीने में हम लोग बच्चे का 3000 रुपये महीना हम लोग दे करके पढ़ा रहे हैं, तो उससे आंगनबाड़ी का पेट भर जाएगा। जब कोई काम होगा तो आंगनबाड़ी करेगी। आंगनबाड़ी का काम करने के लिए आंगनबाड़ी उसको दिखाई देती है अंधा सरकार को, और मानदेय महीना देने के लिए नहीं दिखाई देता है। अब आगे क्या करिएगा? हम लोग आगे लड़ेंगे, जो होगा सो होंगे, मरेंगे या बचेंगे, लेकिन हम लोग का लड़ाई चलता रहेगा। प्रशासन भी है पूरा हटाने के लिए? प्रशासन है तो है, क्या करेगी हम लोग? हम लोग प्रशासन नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। प्रशासन करो चाहे जो है, हम लोग नहीं रखने वाला है। हम लोग शासन करेंगे तो करेंगे। नहीं, हम लोग अस्थाई भी नहीं है। हम लोग का मांग है कि हम लोग को सरकारी की कर्मी का दर्जा दे, हम लोग का वेतन मान करे, हम लोग को सरकारी दर्जा का नौकरी दे। हम लोग सेविका सहायक का दोनों आदमी है, हम लोग का मांग दोनों का दर्जा सरकारी का दर्जा दे। तो देखिए, ये छाता देख लीजिए और धूप देख लीजिए, कितनी कड़कड़ाती धूप है, और इस धूप में ये आंगनबाड़ी सेविकाएं यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बिहार में है ही नहीं, आज ही वो उत्तर प्रदेश गए हैं। योगी मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन डाकबंगला चौराहे की एक बार और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। चारों ओर पूरी तरीके से ये चौराहा ब्लॉक है और पूरी तरीके से यातायात भी बाधित है। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन आंगनवाड़ी सेविकाओं का साफ तौर पे कहना है कि जब तक स्थायी नहीं किया जाता है, जब तक इनकी तनख्वाह को नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक ये प्रदर्शन या आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और साफ तौर पे कहा है कि बिहार के मुखिया को इनकी मांगों को सुनना भी पड़ेगा। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।